हाय गाइस, गुड इवनिंग। इफ आई एम ऑडिबल टू यू, कैन यू प्लीज टेल मी। अगर मेरी आवाज आ रही है सो एंड समबडी प्लीज टेल मी सो दैट वी कैन प्रोसीड। ऑलराइट, थैंक यू। Okay, see, today also we have two questions, both from ancient history. First question is related more to art and culture. So first question is, early Buddhist stupa art, while depicting folk motifs and narratives, successfully expounds Buddhist ideals. Elucidate. So again, your first priority should be to identify the demand of the question that is talking about Buddha. Buddhist stupa art and how, without showing any human images of the Buddha, that means showing Buddha in the human forms, it is still being able to expound the Buddhist ideals. So for questions such as this, you must draw a simple diagram. So यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का आपको डायग्राम बना करके अपने एग्जामिनेशन हॉल में दिखाना होगा, राइट? अपने आंसर में दिखाना होगा। ओवर हियर आई हैव लिस्टेड ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्तूपा एंड आगे हम देखेंगे कि हाउ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स सिंबलाइजेस समथिंग और द अदर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन हाउ फोक मोटिव्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन टू बुद्धिस्ट आर्ट, स्पेशली स्तूपा आर्ट ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट पीरियड। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्तूपा है क्या। तो सिंपल डेफिनेशन स्तूपा की ये है कि इट इज़ अ हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर वेयर द रिलिक्स एंड रिमेन्स ऑफ द बुद्धा एंड अदर इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट फिगर्स सच एज सेंट्स एंड स्कॉलर्स हैव बीन प्रिजर्व्ड। एंड वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस? सो द पर्पज इज दैट this should be a place of pilgrimage and a place where the monks can congregate, right? And it is mostly a place of worship and pilgrimage, right? तो इसके क्या क्या elements हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले तो ये जो आपको hemispherical dome दिख रहा है, it is known as the anda. अंडा के ऊपर ये जो एक railing type की दिख रही है आपको, that is known as the हर्मिका। दी हर्मिका इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सीक्रेट पोर्शन ऑफ द स्तूपा। इट इज हियर दैट द रिलिक्स और रिमेन्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट फिगर्स एट टाइम्स इवन द बुद्धा हिमसेल्फ आर केप्ट। हर्मिका का लिटरल मीनिंग होता है द अबोड ऑफ द गॉड्स। तो सिम्बॉलिकली इट इज सेइंग दैट वेयर एवर द बुद्धा इज देयर इज गॉड, राइट? अच्छा, देन द हर्मिका के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज द छत्रायष्टि। इट हैज टू पार्ट्स इन इट, वन इज द यष्टि और द मास्ट, तो इसको डंडा भी बोलते हैं, राइट? एंड द अदर आर थ्री सर्कुलर डिस्क्स अराउंड द यष्टि, दिस इज नोन एज द छत्रा। बुद्धिज्म में इनके भी अपने अपने मतलब होते हैं जो अभी हम देखेंगे। अच्छा, देन ये जो डायग्राम है, इट इज अ डायग्राम ऑफ द सांची स्तूपा, द ग्रेट स्तूपा एट सांची। एट सांची द अंडा इज बिल्ट ओवर अ रेज्ड प्लेटफॉर्म और रेज्ड प्लिंथ नोन एज द मेढ़ी, एंड अराउंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज एन एनक्लोजर वॉल नोन एज द वेदिका। एंड इस वेदिका में चार दरवाजे हैं, फोर मॉन्यूमेंटल गेटवेज नोन एज द तोरण गेटवेज। नाउ अभी हमने देखा कि स्तूपा की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज अ हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर वेयर द रिलिक्स और रिमेन्स ऑफ बुद्धा एंड अदर इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पर्सनैलिटीज आर केप्ट। तो एक तरह से ये बेरियल माउंड होता है, राइट? वेयर पीपल आर बेरीड। हाउएवर इंडिया में बेरियल माउंड बनाने का ट्रेडिशन बुद्धिज्म के बहुत पहले से चल रहा था एंड stupas continued this tradition, but they are something more than a simple burial mound. So the stupa construction transcends burial mounds. How?
because it symbolizes Buddha's enlightenment, philosophy and message. So it is dripping with Buddhist symbolism. Ab aisa karne ki zarurat isliye padi because in early Buddhism the practice of idol worship was not condoned. Buddha himself preached throughout his life against idol worship, and during his lifetime Buddha had clarified that he is not a god. So he was only seen by his followers as the ideal man and a great scholar and teacher, not as God. Right? Therefore, the symbols, folk motifs, and narratives were very important to narrate the stories, teachings, and message of Buddha without showing him in a human form. Some of the important early stupas are at Sachi, Bharut, Amravati, Bodh Gaya, and Lumbini. Ab humne dekha tha ki स्तूपा के अलग अलग एलिमेंट्स थे. अब उनके सिंबल्स, उससे रिलेटेड सिंबलिज्म को भी समझ लेते हैं. द अंडा, ये वाला जो पोर्शन है, विच इज द हेमिस्फेरिकल डोम, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डोम ऑफ हेवन. तो ये स्वर्ग का जो डोम है उसको रिप्रेजेंट करता है. इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ. फर्दर, इट also represents the creative potential of the Buddha, right? So, ande se, kyunki anda is like a womb, jahan se new life takes place. So, it is not only representing rebirth, but also the huge potential of a new birth, right? Harmika, I told you, was the railing atop the anda, and it is considered to be the most sacred part of the अंडा, the stupa. It is the abode of the gods. अब इसका जो structure है, it closely resembles a sacrificial altar. तो एक altar जिसके ऊपर sacrifices perform किए जाते हैं, उसकी तरह देखने में लगता है. Therefore, it symbolizes or it expounds the virtue of sacrifice through which nirvana can be attained. Right? अच्छा, इट इज ओवर हियर दैट द रिमेन्स ऑफ द बुद्धा एंड अदर बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर केप्ट. सो दीज रिलिक्स और रिमेन्स जिनको यहाँ पे रखा जाता है, दोज आर सेड टू बी अ बीज और अ सीड, राइट? एंड फ्रॉम हियर अ न्यू ट्री इज गोइंग टू इमर्ज, एंड दिस ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय द छत्रायष्टि. छत्रायष्टि इज दिस फिगर ओवर हियर, राइट? अच्छा, Chhatrayashti symbolizes the tree of enlightenment. It has also been interpreted as the Bodhi tree or a tree in whose shade the Buddha finally rests. ठीक है, तो it is the final resting place of the Buddha. अब Chhatrayashti के दो portions हैं. One is the Yashti and the other is the Chhatra. The Yashti represents the axis mandai. Axis mandai is that central axis of the universe through which the heaven and earth are joined together. So it is the central axis of the universe around which the entire universe revolves, and it is along this axis that heaven and earth are joined together, right? That is how it is interpreted. And the chhatra is a symbol of dignity or sovereignty. So Buddha is taken to be sovereign, and all the paraphernalia of dignity is associated with him. So chhatra is a symbol of dignity and sovereignty, right? Ab ye chhatra hai, isme ye jo teen circular discs hain, these represent the three ratnas of Buddhism as well. The three ratnas of Buddhism are Buddha, Dhamma and Sangha. तो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में अगर आपने देखा होगा कि चैंटिंग होती है, तो वहाँ पे ये तीन वर्ड्स बोले जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, राइट? सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म. अच्छा, जो वेदिका है, विच इज द आउटर इंक्लोजर वॉल अराउंड द एंटायर स्ट्रक्चर, दैट डिमार्केट्स द सेपरेशन बिटवीन द सेक्युलर एंड द डिवाइन. तो ये जो वेदिका है, ये वाला पोर्शन, this is the outer enclosure wall. So it represents the separation of the secular element from the divine element. Lekin ye separation watertight nahi hai. Kyun?
क्योंकि इस वेदिका में ऑन दी फोर कार्डिनल डायरेक्शंस देर आर फोर तोरण द्वार, तो यानी कि वन कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम दी अदर. सो दिस वॉज ऑल्सो अ सेंट्रल फीचर ऑफ बुद्धिज्म. अच्छा, फोर तोरण द्वार और कार्डिनल डायरेक्शंस में फोर तोरण द्वार आर प्रेजेंट इन दी वेदिका एंड दीज इन्वाइट ऑल दी पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल दी directions. And इसका ये मतलब भी है that this message of Buddhism is going to spread in all four directions. अच्छा, ये तो देख लिया हमने कि symbolism कैसे देख लिया कि how symbolism in stupa art plays a huge role in telling the story and message of Buddhism. But this is not it. जो तोरण द्वार आपको बताए थे मैंने, these structures, यहाँ पर बहुत intricate sculptures बनाए जाते हैं and these are narrative sculptures. और ये कौन सी stories को narrate करते हैं? These narrate the जातक tales. तो जातक tales are the stories of the previous births of the Buddha. They are part of the Sutta Pitaka. And ऐसा बोला जाता है that there are more than 550 such tales. तो इनसे related कुछ events को इन तोरण द्वार पे इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव स्कल्पचर्स बनाया जाता है. अपार्ट फ्रॉम द जातक स्टोरीज, एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द बुद्धा आर आल्सो डिपिक्टेड. एपिसोड्स सच एज द बर्थ ऑफ द बुद्धा, महाभिनिष्क्रमण दैट इज बुद्धा रिनाउंसिंग द वर्ल्डली लाइफ, लीविंग द हाउस, लीविंग हिज पैलेस एंड गोइंग टू टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. निर्वाणा दैट इज हिज द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट. धर्म चक्र प्रवर्तन, द फर्स्ट सर्मन दैट बुद्धा गेव, उनका पहला उपदेश जो था. एंड महापरिनिर्वाण दैट इज द बुद्धा लीविंग दिस अर्थली अबोड टू गो टू हिज हेवनली अबोड, राइट. तो दैट मीन्स द डेथ ऑफ द बुद्धा. अब ये जो पांच इवेंट्स बताए आपको, पांच एपिसोड्स बताए, यहाँ पे बुद्धा को एज अ ह्यूमन फिगर नहीं डिपिक्ट किया जाता है. इनको डिपिक कैसे किया जाता है? थ्रू डिफरेंट सिंबल्स. सो फॉर एग्जांपल, बुद्धा हिमसेल्फ इज डिपिक्टेड बाय फुटप्रिंट्स. तो अगर बुद्धा को कहीं दिखाना हो या उनका प्रेजेंस किसी स्टोरी में डिमार्केट करना हो तो उनको वहां पे एक फुटप्रिंट दिखाया जाता है. और इट इज डिपिक्टेड थ्रू एन एम्प्टी थ्रोन. सो एन एम्प्टी थ्रोन और फुटप्रिंट इन अ बुद्धिस्ट स्तूपा मीन्स द प्रेजेंस ऑफ बुद्धा. अच्छा, द स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा, द एपिसोड ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा is shown either as a lotus or as a white elephant, right? Mahabhinishkraman, the act of leaving the palace, is shown as a horse. तो अगर महाभिनिष्क्रमण दिखाने के लिए एक घोड़ा दिखाया जाता है, निर्वाण दिखाने के लिए एक पीपल ट्री दिखाया जाता है because he sat beneath a people tree, the Bodhgaya tree, right? The Bodhi tree. And Dharmachakra Pravartan, that is the first sermon that Buddha delivered, that is represented through a व्हील, राइट. दी अशोक चक्र में जो अशोक चक्र का व्हील जो है उसका इंस्पिरेशन यहीं से आया है. तो दिस व्हील इज रिप्रेजेंटिंग दी धर्म चक्र प्रवर्तन और फर्स्ट सर्मन. महापरिनिर्वाण को दिखाने के लिए दैट मीन्स द डेथ ऑफ द बुद्धा एक स्तूपा दिखाया जाता है, राइट. तो दीज आर द काइंड ऑफ नैरेटिव स्कल्पचर्स विच आर एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस, फोक कल्चर इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद दी बुद्धिस्ट कल्चर एंड कई सारे फोक मोटिव्स हैं, फोक थीम्स हैं जिनको बुद्धिस्ट कल्चर में या फिर स्तूपा आर्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है. सो यू विल फाइंड ऑन द वॉल्स ऑफ दी स्तूपास और ऑन द तोरण गेट्स अ नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ यक्षास एंड यक्षिणीज. सो दीज आर डेमी गॉड्स एंड गॉडेसेस. नागास एंड नागिन्स, दीज आर बींग्स हु आर हाफ ह्यूमन हाफ सर्पेंट. Apsaras and demons, that is celestial nymphs, nymphs and demons, and Shalbhanjikas, these are forest spirits, right? तो इस तरह के motifs भी दिखाए जाते हैं. अब question क्या है? Early Buddhist stupa art, while depicting folk motifs and narratives, successfully expounds Buddhist ideals. Elucidate. Elucidate का मतलब ये होता है कि with examples you have to show कि ये statement जो है उसको justify करना होता है आपको. तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक तो स्तूपा का डेफिनेशन दे दिया,
उसके बाद उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि इट ट्रांसेंड्स बेरियल माउंट्स एंड सिंबलाइजेस बुद्धास एनलाइटनमेंट फिलोसफी एंड मैसेज एंड देन फाइनली यू हैव लिस्टेड ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द स्तूपा एंड हाउ इट इनकॉर्पोरेट्स नैरेटिव स्कल्पचर एंड फोक मोटिव्स इन ऑर्डर टू टेल द इन ऑर्डर टू एक्सपाउंड द बुद्धिस्ट आइडियल्स राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस तरह का आपके आंसर में डायग्राम होना बहुत जरूरी है. All right, coming to the second question. Krishnadev Raya, the king of Vijayanagar, was not only an accomplished scholar himself, but was also a great patron of learning and literature. Discuss. So, a few details about Krishnadev Raya in the very beginning of your answer. Ek chota sa introduction likhna hai aapko. 200 words ka question hai, so about 10% of the space should be dedicated to the introduction. So, Krishnadev Raya, reign was from 1509 to 1529. He is considered to be the greatest ruler of the Vijayanagar Empire. His reign witnessed unprecedented material and cultural progress. Apart from being a great warrior and a great administrator, he was also a great patron of learning and literature. He patronized several languages such as Telugu, Tamil, Kannada, and Sanskrit. Ab question ye puch raha hai aapko कि ही वॉज नॉट ओनली एन अकॉम्प्लिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर. तो आप यहाँ पे दो पार्ट्स में अपने आंसर को डिवाइड कर सकते हैं दैट वॉट वर हिज पर्सनल कल्चरल और लिटररी एक्सप्लॉइट्स एंड वॉट वॉज द पेट्रनेज दैट ही गेव टू अदर लर्निंग एंड लिटरेचर. तो अबाउट हिमसेल्फ ही रोट सेवरल वर्क्स इन तेलुगु कन्नडा एंड संस्कृत बट एज ऑफ टूडे Only three of these works are available. तो बाकी सारे खो गए हैं. We know about his other works only through the writings of contemporary writers, जिन्होंने इन works को अपने works में mention किया है, इन texts को अपने works में mention किया है. The names of these three surviving works are Amukt Malyada, which is a poem written in Telugu. It is considered to be one of the five Mahakavyas or Panch Mahakavyas of Telugu literature. It is about the story of the wedding of Lord Vishnu and Andal. Andal was a woman bhakt, Vaishnav Bhakta, right? So it is the story of, and she worshipped Lord Vishnu as her devotional husband. And this is the story of their wedding. Achha. Another very famous work is the Jambavati Kalyana. It is a drama in Sanskrit language and the Krishnadev Raya Dinachari is a personal diary which Krishnadev Raya maintained in the Kannada language. Theek hai, to ye teen naam yaad rakh lijiyega, Amukt Malyada, Jambavati Kalyana and Krishnadev Raya Dinachari. Right, the second part is about how he patronized other scholars. So his court was adorned by 8 very famous Telugu literary luminaries known as the Asht Diggajas. Asht means 8 and Diggaja means elephant or giant, right? Achha. So Krishnadev Raya's reign is known as the golden period of Telugu literature. Why? Because 8 Telugu luminaries popularly known as the Asht Diggajas adorned his court. Inke naam kya kya hai? Allasani Pedana. He was given the title Andhra Kavita Pitama by Krishnadev Raya and is considered to be the greatest of the 8 Ashtadiggajas. He wrote the work Manu Charitram, right? So according to Hindu philosophy, there were 14 different Manus or primordial men. And this Allasani Pedana's Manu Charitram is about the second of these Manus, right? Achha. Another very famous figure associated with his court was Tenali Ramakrishna, also known as Tenali Rama. He wrote the Pandurang Mahatyam. And this is also one of the Panch Mahakavyas of Telugu literature. Then other Ashtadiggajas included Nandi Timara, who wrote Parajit Aprahanam, Madayagiri Mallana, Dhrujati, Ramraj Bhushan, Pingali Surana, and
अयल्ला राजू रामभारा, राइट। नाम याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये दो नाम आपको याद रहने चाहिए। और इन्होंने जो वर्क्स लिखे, जो किताबें लिखी, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। देन ही ऑल्सो पेटनाइज्ड सम कन्नडा पोएट्स सच एज मल्लन आर्य, चाटुवित्रल अनंथा एंड तिमन्ना कवि, राइट। एंड बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट पेट्रनेज टू लर्निंग एंड लिटरेचर एंड हिज ग्रेट इंटरेस्ट इन स्कॉलरशिप, ही टुक टाइटल्स सच एज अभिनव भोज एंड आंध्र भोज। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर, राजा भोज इज अ हिस्टोरिकल फिगर हु इज वाइडली रिगार्डेड एज अ स्कॉलर किंग। सो इट वॉज दिस क्वालिटी ऑफ अ स्कॉलर किंग दैट अपील्ड टू कृष्णदेव राय, एंड ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ लेगेसी इन विच ही वुड ऑल्सो बी रिमेम्बर्ड एज राजा भोज। But since he was ruling in South India and patronizing Telugu, he took the title of Andhra Bhoj, and he also took the title of Abhinav Bhoj. Right? Again, 200 words में आपको ये सारी चीजें लिखनी हैं. So I think this much information is sufficient for you.